तो हे व्हाट्सअप, इट्स अबाउट मम्मी और फोन। और आज ना मैं ऐसी किसी के ऊपर रिएक्ट करके अपने झगड़ों का नाश नहीं दिखाने आया हूं, ठीक है ना। तो बोलना नहीं है क्या टट्टी रिएक्शन देते रहता है, कुछ अच्छा भी तो कर ले। आज की ये वीडियो मैं स्पेशली उन सिंगल लड़कियों के लिए बना रहा हूं जिनको जरूरत है एक हम सफर की, समझ रहे हो ना, हम सफर। क्या था ये? जो तुम्हें वैलेंटाइंस डे के अवसर पे भी नहीं मिला, रीजन बीइंग तुम्हारी बांदरी जैसी शक्ल है, या सुबह तुम्हारी 10 इंच की लार टपकती है, या आंखों में टीट चिपकती है। लेकिन रीजन कुछ भी हो, आज तुम्हारा भाई राखी के बंधन को निभाते हुए तुम्हें तुम्हारे ख्वाबों का राजा, आंखों का सितारा, सर्व गुण संपन्न बेबी सोना बाबा से मिलवाऊंगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मानो ना मानो प्यार मचाने का सीजन चल रही है, और जहां देखो या तो शादियां हो रही है या तो अपनी मॉडर्न जनरेशन जमाना बदल गया है के नाम पे पपिया झपिया पा रही है। और पपियों झपियों से मेरा मतलब एक्चुअल पपियों झपियों से। कैसी अपमान जनक बातें कर रहा लड़का ये। और ये ऐसा टाइम होता है जहाँ लड़कियां तारक मेहता का उल्टा चश्मा में बबीता जी और जेठालाल को साथ फ्लर्ट करते देख मम्मी पापा के डर से नजर छुपाने की उम्र में ये सोच रही होती कि मेरा फ्यूचर हसबू बाबू कैसा दिखता होगा और मुंडे विच हुनर कौन से होने चाहिए। Stop it. Get some help. तो मैंने स्पेशली तुम लड़कियों के लिए स्पेशल इंटेलिजेंट रिपोर्ट ऑफ तेरे अरमान 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 निकाली है और ढूंढ लिया है तुम्हारे सपनों का दुल्हा, द रियल मैन। तो जैसा कि आपने सोचा ही होगा, इसकी आंखें हैं नशीली जिसको समुंदर समझ के आप डूब जाओगी। तो जैसा कि आपने सोचा ही होगा, इसके बाल हैं मानो मुलायम मखमल जिसको आप हाथों से फुसलाती रह जाओगी। और मुझे पता है कि आप बहुत ज्यादा प्यार ऑलरेडी करने लग गए उससे, लेकिन एक और इसके अंदर क्वालिटी है, इनकी स्माइल इतनी खास है जिसको देख के अपने मुंह से अपने आप निकल पड़े। और तेरी सूरत आँखों सच बोल रहा हूँ, जब मैंने इसका अकाउंट पहली बार देखा था ना, मेरी फटके 32 पेटल्स हो गई थी। भाई ये बंदे ने एक पोज में एक झोपड़े में वास्तव के संजू जैसा लुक बनाए हुए ऐसी भयानक 311 पोज डाल रखी है। ये फोटो देखो, अभी अभी में मेरी 10 बार रूह कांप उठी है, यकीन नहीं हो रहा। पास आओ। हाँ मैं यहाँ क्या मिला रहा हूँ, यकीन कैसे दिखाऊंगा अपनी रूह कांप उठी है। और ये तो चलो कुछ भी नहीं, इन अंकल की फोटोज पे जो लोगों ने जबरदस्त कमेंट कर रखे है ना, वो पढ़ने लायक है। परफेक्ट नीला दिल, नीला दिल, सुसु को कहते हैं मूत, यू आर लुकिंग सो क्यूट, आहा अंगारे और प्यार आ गया है लौंडे पे वाला इमोजी, वेरी कूल कूल पिक्चर। अब क्या कूल दिख गया इसमें, सच बताओ तो इससे ज्यादा क्रीपी चीज मैंने आज तक नहीं देखी। इन 311 फोटोज में आप कभी देखोगे कि इसकी हेयरलाइन एकदम ही नाक तक आ रखी है, या तो कभी देखोगे एकदम है ही नहीं, मतलब पूरा सफाचट हेयरलाइन ही नहीं है। बताओ 6 से 7 डिफरेंट हेयर स्टाइल्स, खुद के बारे में मीम्स, सेम पोजेस एक ही झोपड़ी में, और इनके गानों की चॉइस देखो एक बार। या हमें भेज वाले तुझे हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ हो कमले वाले। पहली बात तो मतलब क्या सुर लगाया, एकदम गला साफ किया करके एकदम मजा सा आ गया। उसके बाद लाइन गाता है तुझे हम ढूंढ रहे हैं। भाई इस बंदे ने ना कसम से बता रहा हूँ कतई नींदे उड़ा रखी है, नींदे उड़ा रखी है, नींदे उड़ा रे, नींदे उड़ा रे। लेकिन मैं कहीं ना कहीं इंस्पायर हो चुका हूँ कुमार जी से, और मैं चाहूंगा कि अपन इकट्ठे मिलके इनकी खूबसूरती को ट्रिब्यूट दे। तो मैंने सोचा इन्हीं की तरह क्यों ना एक इंस्टाग्राम पर आईडी बनाया जाए और मैं इन्हीं की स्टाइल की फोटोज उसके ऊपर पोस्ट करूं, और गोल रहेगा कि अपन उसको 100 फॉलोअर्स तक पहुंचवाए। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। तड़प
तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या तू ना किया तो लुट गए। यार मुझे पता है कुछ भी हो रहा है लेकिन इट इज व्हाट इट इज। तो जाओ जो करना है करो, अपने दोस्तों का फोन चुरा के उसमें से फॉलो दबाओ या अपने रिलेटिव्स को धमकी देके उस पे फॉलो करवाओ, बस 100 फॉलोअर्स का गोल कंप्लीट हो जाना चाहिए। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, गेमिंग चैनल पे 100 करवा दो, इस चैनल पे 200 करवा दो और कुमार संजीव ट्रिब्यूट पेज के 100 करवा दो। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। पीस।